पीएम किसान योजना के मृत लाभार्थियों को भी भेजा जा रहा है पैसा, अब एक्शन लेने के निर्देश। प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना के मृत लाभार्थियों के बैंक खातों में निरंतर भुगतान भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की ओर से कई बार आदेश भेजे जाने के बाद भी भुगतान रोका नहीं गया है। इस पर शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मृतक किसानों के खाते को डिलीट करके भुगतान रोकने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की साप्ताहिक समीक्षा मुख्य सचिव स्तर से होगी। पीएम किसान योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 2.55 करोड़ से भी अधिक किसानों को लाभ मिल रहा है। लाभार्थी किसान के मृत हो जाने से तत्काल बाद उसका डाटा योजना के पोर्टल से डिलीट करने के निर्देश हैं, ताकि भविष्य में योजना का लाभ उसके खाते में ना जाने पाए। साथ ही उसके पात्र बारे से यदि प्रार्थना पत्र देते हैं तो शीघ्र ही सत्यापन करके उन्हें लाभ दिलाया जाना है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने 30 जून 2021 को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वरासत अभियान के तहत राजस्व विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज मृत किसान का 100% डाटा रोका जाए। इसकी समीक्षा में पाया गया कि 1 जनवरी 2019 के बाद 18.73 लाख किसानों की वरासत दर्ज हुई है। उसके सापेक्ष मृत किसानों के रोके गए खातों की संख्या काफी कम है। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने मंडलायुक्तों पर जिला अधिकारियों को भेजे पत्र में लिखा है कि विभिन्न स्तरों पर कराए गए भौतिक सत्यापन में 3-4% ऐसे लाभार्थी की आ रही है जिनकी मौत हो गई है, लेकिन भुगतान भी बैंक खाते में जा रहा है। जिलाधिकारी कृषि व राजस्व विभाग से समन्वय बनाकर समयबद्ध अविलम्ब कार्यवाही करें। सभी जिलों को वरासत मामलों की संख्या जनपदवार भेजी है। किसानों का विवरण भी डिजिटल फॉर्म में कृषि निदेशक के माध्यम से सभी कृषि उप निदेशकों को भेजा जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जिला अधिकारी इसका सत्यापन कराएं। यदि भुगतान अब तक नहीं रोका गया है तो तत्काल बैंकों से संपर्क करके रुकवाएं। हर शुक्रवार को उप कृषि निदेशक तय फार्मेंट पर प्रगति रिपोर्ट भेजेंगे। इस कार्य को हर हाल में 15 जुलाई तक पूरा करना है। यूसुफी लस्सी एंड रेस्टोरेंट शरदराबाद की मशहूर मारूफ यूसुफी लस्सी, आपके दिलों को ठंडक और गर्मी में सुकून और राहत के लिए आज ही तशरीफ लाए। साल के 12 महीने दस्तियाब यूसुफी लस्सी एंड रेस्टोरेंट, न्यू मल्लेपल्ली नोबल टाकिस क्रॉस रोड हैदराबाद।